रहते हैं मधोश। शंकर अकेला नहीं है पूजा, मैं इसका साथ दूंगी जिंदगी के हर मोड़ पर, हर पल। लेकिन लाल साहब, अगर भाभी ने मेरे घर पे छापा पड़वा दिया तो फिर? तो ऐसा कौन सा कत्ल कर दिया मैंने? सिर्फ अपनी बीवी के पैसे ही तो खाए। हाँ किंजा, कामरान जो शांजे से शादी के ख्वाब देख रहा है, तुम तो अपने ऑफिस के काम में मसरूफ रहती हो, लेकिन वो अंदर ही अंदर अपना काम कर रहा है। और तुम देखना, एक दिन पूरे ऑफिस पर कब्जा कर लेगा। सॉरी राहिल साहब, मुझे पता कि आपके हम पर बहुत ज्यादा एहसान आता है, लेकिन मैं भी बहुत मजबूर हूँ। नहीं सफदर, तुमने ऑलरेडी मेरे लिए बहुत कुछ किया है। वैसे तुम्हारी इतला के लिए अर्ज़ा है कि मेरा अरेंजमेंट हो गया है। पुराना अकाउंट्स मैनेजर था मेरा, उसने कहीं अरेंजमेंट किया है, और मैं आज रात को ही चला जाऊँगा यहाँ से। ये तो बहुत अच्छा हुआ। हेलो जी, क्या? आई कांट बिलीव इट, कैसे हो सकता है ये? खैरियत तो सर, क्या हुआ? शंकर मुसलमान हो गया, लाइसा से शादी कर ली। पर खैरियत तो है। अल्लाह के कलाम में बड़ी तासीर है राहील, ये उसी का करिश्मा है कि बंदों के दिल को मंदिर से मस्जिदों में बदल देता है। भगवान की माला जपती हुई जबान अल्लाह का पाक नाम लेने को बेकरार हो जाती है। मैं भी उन्हीं रास्तों में, उन्हीं अंधेरों में घूमता, पलटकर जिंदगी को देखने की फुर्सत ही नहीं थी। जिंदगी तो थी मगर करार नहीं था। जब पलटा हूं तो जिंदगी को पाया, रोशनी को देखा, दिल में एक ऐसी आवाज है जिसने शंकर की काया पलट दी, मेरे दिल में हलचल मचा दी। तुम खुशकिस्मत हो राहील कि तुम्हें वापसी का रास्ता मिल गया। इसी में निजात है, इसी में फला है, वरना लोग सारी उम्र भटकते रहते हैं मगर सिवाय खूब अंधेरों के कुछ हाथ नहीं आता। आजान का भेद लोगों के दिलों पर खुलता ही नहीं। डैडी, लगता है आप इस फ्रॉड की बातों में आ रहे हैं। के? इस बहरूप की बातों में मत आइएगा, जानते नहीं है इसे आप। रूप तो इसे अब मिला है बेटा, अब तो इसने अपने आप को पहचाना है। इसे मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। आइए इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। हथकड़ी लगाओ इनको। बेटा माफ कर दो इसे, छोड़ दो इसे। डैडी, जिसने मेरा एतमाद, मेरा दिल तोड़ा है, आप कह रहे हैं मैं उसे माफ कर दूं? फैसले तलख जरूर होते हैं मगर कभी कभी जिंदगी को सवार देते हैं बेटा। अंकल प्लीज, मेरी सिफारिश मत कीजिए। मेरे जमीर पर जो गुनाहों का बोझ है, उसे सजाओं की तलखी झेलने दें।
ठहरो। तुम इस तरह नहीं जा सकते। पहले मुझे अपने अहद की जंजीरों से आजाद करो। किंजाब, मैं हर किस्म का जाला करने को तैयार हूं, मगर मुझे तुमसे सिर्फ अलहदगी चाहिए। ठीक है, जिस चीज में तुम खुश होगी मैं वही करूंगा। बेटा, तुम राहील से तलाक मांगकर बहुत बड़ी गलती कर रही हो। डैडी, अगर दिल में जगह ना हो तो ऐसे रिश्तों का सहारा किसी काम का नहीं होता। और तुम समझती क्यों नहीं हो, राहील अब पहले जैसा नहीं रहा। एक वाक्य ने उसकी काया पलट दी है। यकीनन ये भी उसकी कोई नई चाल होगी। चोर चोरी से जाए मगर हेरा फेरी से कभी नहीं जाता। उसे एक बार मौका तो दो ना। मौका? सैकड़ों मौके दिए मैंने उसे, मगर उसने हर बार ये साबित किया कि वो एतबार के काबिल बिल्कुल नहीं है। तलाक हमारे माशरे में औरत के लिए गाली से कम नहीं है। किस माशरे की बात कर रहे हैं आप? क्या तलाक का इख्तियार सिर्फ मर्द को है? जो ये गाली दे रहा है उसके लिए तलाक गाली नहीं बनती, तो फिर औरत के लिए क्यों बन जाती है? अब बेटा, मैं तुमसे बहस नहीं कर सकता, समझाना मेरा फर्ज था, आगे तुम्हारी अपनी मर्जी है। दा का शुक्र है कि आप ठीक हो गई हैं। आपने ना तो खुद कामरान को बताया और ना ही मुझे फोन करने दिया। अरे क्या जरूरत थी उसको बताने की, बेचारा परेशान हो जाता, दफ्तर से छुट्टियां लेता, और फिर होना क्या था, वही जो अल्लाह को मंजूर है। आप ना सारी सख्तियां अपने ऊपर ही झेलते रहना, किसी को कुछ मत बताइएगा। चलो आप बता दो कामरान को। पास होता ना तो जरूर बता देती। कोई जरूरी तो नहीं है ना कि माँ बीमार हो तभी उसके पास आए। वो रात को मुझे मिला था। मिला था? तो आपने ये क्यों नहीं कहा कि जाके फातिमा खाला को भी मिल के आओ? अरे पगली,
वो मुझे ख्वाब में मिला था, और फिर ख्वाब तो ख्वाब होते हैं ना बे। कुछ ख्वाब सच्चे भी तो होते हैं अम्मा। है? ये कामरान की आवाज है या मेरा वहम है? मैं भी यही सोच रही हूँ। अम्मा तुम मुझे वहम समझ रही हो? अरे अरे मेरा बच्चा, अरे मुझे इतला क्यों नहीं की तूने शैतान? ताकि मुझे देख के तुम ज्यादा खुश हो। अरे अगर मैं खुशी में मर जाती तो? ना अम्मा, ऐसी बातें मुंह से ना निकाला कर। जीता रहे मेरा बच्चा। चलिए बाजी, आपका ख्वाब तो सच्चा हो गया। आप दोनों माँ बेटा बैठ के बात करें और मैं चाय बना के लाती हूँ। ठीक है, बैठ बेटा बैठ। आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप इतनी बीमार थी? तुझे किसने बताया? मैंने सब कुछ सुन लिया। अब बस बेटा। अम्मा आपको पता मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मुझसे मिलने। आपको ले जाने। सच? हाँ अम्मा, हमारे ऑफिस की मैडम इतनी अच्छी है, उन्होंने कहा है कि अपनी अम्मा को ले आओ। अल्लाह खुश रखे। आपको ऑफिस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? जी नहीं, यहाँ पे बहुत सुकून है। इंसान की पहली तलाश ही सुकून है। लेकिन अगर मोहब्बत मिल जाए तो सुकून नहीं ढूंढना पड़ता। अगर आपको एक घंटे में फैक्ट्री से पेपर डिस्पैच ना हो तो मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। मेरा ख्याल है कि अब इस मसले में आपके पास फिर आने की नौबत नहीं आएगी। लेकिन आप फिर भी आ सकते हैं। यस बॉस। बेटा आए हो तो अब मंगनी करके ही जाना। अम्मा आपने मंगनी को मजाक समझ रखा है क्या? ना तो क्या पहाड़ हिलाने पड़ेंगे? बेटा तुम उस लड़की को देखोगे ना तो पागल हो जाओगे। अम्मा अगर मैं पागल हो गया तो उस लड़की का क्या बनेगा? मुझे बातों में टालने की कोशिश मत करो, मंगनी तो तुम्हें करनी पड़ेगी। अम्मा इस बार तो मैं आपको लेने आया हूँ। तो क्या मंगनी नहीं हो सकती? अम्मा अम्मा एक बात पूछूं? पूछो। वो मेरी शादी गांव के बजाय शहर में नहीं हो सकती? हो सकती है।
मंगनी यहाँ कर लेते हैं, शादी शहर में कर लेंगे। किसका फोन है? अम्मी ऑफिस से फोन है। हेलो जी शांजे, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ऑफिस कैसा है? डैडी मैं आपको यही तो बता रही हूँ, राहिल ने जिस तरह उनका मुकाबला किया वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। ठीक है मैं कोशिश करूंगी जल्दी आ जाऊं। ओके बाय। थैंक यू राहिल, आपने जो कुछ भी किया मैं सोच भी नहीं सकती थी कि। नहीं मैम, मेरे होते हुए डाकू आपका सामान लूट लेते, ये तो मेरी खुद की बेइज्जती। बहुत बड़ी अमाउंट्स एक दो जगह हेड्स में डालने की कोशिश की है। अच्छा ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि आपको दफ्तर के कामों में कोई दिलचस्पी नहीं है। दफ्तर में इस वक्त क्या हो रहा है, प्रोडक्शन कहाँ जा रही है, यू लीस्ट अबाउट इट। आपको तो अपने कामों से खर्च है सर, आपका खर्चा तो चल रहा है ना। ये 35 लाख रुपए हमारे अकाउंट से निकले और मुझे खबर भी नहीं। वैसे मेरे ख्याल में इतना गहरा रिश्ता जब इंसान की नर्व्स पर मुसल्लत हो जाए ना तो उसे टूट ही जाना चाहिए। ऐसे शख्स को जो गैर मुस्लिम था उसके सीने में ईमान की रोशनी भर दी, आलम मुझे भी माफ कर। कैसी औरत जो पूरे काम करती थी गुनाह के दलदल में थी, तूने उसको भी माफ कर दिया, आलम तू गफूर रहीम है, मुझे भी माफ। जी 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 मलिक साहब, अरे आप जैसे हुक्म करेंगे जी। नहीं 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 नहीं, अरे नहीं, मुझे तो बहुत खुशी हुई है कि आपने मुझे इस काबिल समझा, मुझे खिदमत का मौका दिया आपने। जी जी बेहतर, मैं आपके यहाँ आता हूँ जी किसी दिन। ओके मलिक साहब, ओके, अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़। किसका फ़ोन है बाबा? तुम्हारे होने वाले ससुर का। ओ, रक्षी के डैड का। तुम रक्षी से कौन है कि तुम्हारा जिक्र घर में करे? अरे बाबा ये तो मिनटों का खेल है। तो इसको महीनों में क्यों लेके जा रहे हो? हाँ पापा, मैं आप ही का बेटा हूँ, एक बहुत बड़ी कश्ती पे वहां रखा हुआ है। ओह
तो फिर रक्षी? रक्षी? रक्षी का क्या है, पांव जम जाएगा तो रक्षी को साइड पे लगा दूंगा। खूब भाई, यानी कि बड़े मियां सो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। वाह भाई, वाह वाह भाई, वाह। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू माय सन, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू।